कल जो है जन्मदिन है सुशील मोदी का, और ये देखिए ये पोस्टर लगा है, पीछे हनुमान जी हैं, बिहार भाजपा के संकट मोचक। और इसी पोस्टर पर ये विवाद आज सुबह से छिड़ा हुआ है कि क्या होगा, क्या वास्तव में ये पोस्टर जानबूझकर लगाया है गया है कि सुशील मोदी को का कद भाजपा के और तमाम जो नेता हैं बिहार में उनसे बड़ा करके दिखाया जाए कि भाजपा को यदि बिहार में कोई संभाल सकता है तो सुशील मोदी संभाल सकते हैं। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी, भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बबलू जी। और जानते हैं सर, पोस्टर लगा है तमाम पटना के चौराहों पर कि सुशील मोदी संकट मोचक भाजपा के बिहार में। हाँ, ये कैसे, किसने लगा दिया ये पोस्टर? अभी अब कार्यकर्ता लोग हैं, सबका अपना अपना फैंस एसोसिएशन है सुशील मोदी के। हाँ। इन्हों लोग ने लगाया है। हाँ। अरे हम लोग तो सबको ही है, हम लोग सबको बीजेपी के। लेकिन बबलू जी, फैंस एसोसिएशन लगा दिया है, ये पोस्टर लगा दिए जाते हैं तो इस पे तो संज्ञान पार्टी को लेना चाहिए ना। पार्टी को तो जैसा लग रहा है कि दो धड़ों में बांटा जा रहा है, और ऐसे भी भाजपा बदनाम है। किसी नित्यानंद राय की अलग गुट है, सम्राट जी का अलग गुट है, सुशील मोदी का अलग गुट है, तमाम गुट भाजपा में काम करते हैं बिहार में। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग सबको ही भाजपा के हैं, हम लोग हर लोग विकास का बात करते हैं, हम लोग में ऐसा कोई गुट नहीं है। हमारे ये जो आप बता रहे हैं संज्ञान की बात है, तो हमारे आला लोग है वहाँ पे दिल्ली में। हाँ। वो लोग हैं, वो लोग इस पर विचार। तो राजनीतिक गलियारे में बबलू जी एक चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार ये तैयार हो रहे हैं कि ठीक है सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बना दीजिए बिहार का, हम यहाँ पे सपोर्ट कर देते हैं, हम दिल्ली चले जाएंगे, ये डील चल रही है, ऐसी कुछ सुनने में आ रहा है। देखिए ये तो हम लोग से बड़े बड़े लोग की चीज़ है, मने बड़े जो हमारा पार्टी का जो दिशा निर्देश तय करते हैं उनकी चीज़ है, इस पर तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, बोलना भी गलत है। अब उन लोग को जो अच्छा लगे वो ऐसा हो। मतलब चाहते हैं कि एकदम नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो बड़े लोग वो आला कमान क्या चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं तो हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग सेवक है, हम लोग काम करेंगे जनता। चलिए बबलू जी ने तो स्वीकार कर लिया कि यदि शीर्ष नेतृत्व दिल्ली चाहेगा कि नीतीश जी के साथ मिल जाना है तो हम निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मिल के लड़ेंगे। अब देखते हैं कि शीर्ष नेतृत्व क्या चाहता है, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।